फोटो कैमरा लूँ मैम, लुक लुक सेंटर अरे रुकिए यहाँ भैया
भी है, और वो सबसे अच्छी ये बात थी उसके बारे में कि हमने जिस तरीके से हम उस बात को आगे रख रहे हैं वो बहुत एंटरटेनिंग वे में रख रहे हैं। बात यहाँ पे किसानों की हो रही है, यहाँ पे शहर में रहते यंगस्टर्स की हो रही है जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे वॉन्ट टू एंड देयर लाइफ बट दे डिसाइड टू गो टू अ विलेज एंड यू नो उनकी जो नॉलेज है उसको किसानों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसके लिए लगाते हैं। एंड जेन्युइनली मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि अगर एक्चुअली ये फिल्म बनाने के बाद अगर शायद एक 10 किसान भी इस चीज़ से सीख पाएँ कि कैसे विद न्यू टेक्निक्स यू नो दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हमारा पर्पज़ जो है वो शायद पूरा हो जाएगा इसके लिए। सो डेफिनेटली इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म। Wonderful, and what a beautiful message as well. And right now, everyone around here, sab young India ke liye kuch na kuch karna chahte hain. We want the world to be proud of India. We want India to be proud of India. True. And what a beautiful, beautiful message, dil se. Anant, you also have such an important role as well, right? Aap shayad ek hardworking engineer hai isme? Haan ji, actually, ye dono hi ladke engineer hai. और इस कहानी की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये कि कैसे आप अपने जीवन में जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई हम तो हार गए हैं, यू नो एंड यू फील दैट इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि बचकाना है, और एक वो अल्फाज है ना शुक्राना पर, और हमको ऐसा लगता है कि भाई ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी हुई है, सिर्फ 15,000 रुपये नौकरी की मिल रहे हैं और लाइफ फेलियर है। बट क्या होता है जब आप वाकई में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपको 10 रुपये की भी वैल्यू पता चलती है, और आपको ये मालूम चलता है कि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड वहां से जो पैराडाइम शिफ्ट होता है इन दोनों ही कैरेक्टर्स का, वो कमाल का इसका एक कहानी का हिस्सा है। और उस पैराडाइम शिफ्ट से कैसे ये गाँव वालों की मदद करने की सोच रहे हैं लेकिन कैसे वो गाँव इनकी मदद कर देता है, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, कैसे वो एक गिव एंड टेक होता है। और इट्स अ होपफुल फिल्म, ये आपको बताती है कि कोई भी एंड नहीं होता वर्ल्ड का, इफ यू हैव होप यू कैन सक्सीड। हाउ नाइस, गिव इट अप फॉर होप लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर बेटर टाइम्स, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, एंड ऑल ऑफ अस सॉल्विंग इश्यूज टुगेदर विद साउंड रीजनिंग, values and integrity. Director saab, namaskar, congratulations. Thank you very much, namaskar. Sir, ye zarur hai ki jaise dono bhaiyon ne kaha tha ki the messaging is very very strong, how they associate and got bonded with the messaging of the film. But aapki ek khasiyat hai ki aap hamesha ek entertainment quotient bhi laate hain. Does this film has that as well? Absolutely. मेरी कोशिश यही रहती है, दे आर राइट, एक्चुअली कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैंने पहली फिल्म भी जो बनाई थी वो वॉर फिल्म थी लेकिन विद कॉमेडी, दैट वाज अ वॉर कॉमेडी, सेकंड वाज अ हॉरर फिल्म विद अ कॉमेडी, नाउ इट्स अ ड्रामा, ये एक सोशल ड्रामा है फिल्म विद कॉमेडी डेफिनेटली, जिसमें ये दो जो एक्टर्स हमारे बैठे हैं इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे उस विजन को पूरा करने में जो मैंने कोशिश की थी उस फिल्म में दिखाने की। तो बस यही है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिल्म मेकर कि हम एंटरटेन भी करें, और साथ के साथ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो कुछ बात कहने की कोशिश भी ज़रूर करें। So that's it. Yeah, please do, Divyendu. I think the biggest advantage of Faraz as a director is ये जितनी भी गंभीर बात हो उसको बहुत सरल तरीके से कहते हैं। जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि हाँ हम बहुत शहर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसानों की बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं, हम 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट ही राइट्स एंड डायरेक्ट्स हिज फिल्म सो ब्यूटिफुली एंड इन सच अ सिंपलिस्टिक वे कि आपको देखने में वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। यू नो जब चीज़ ऑलरेडी भारी हो तो उसको भारी तरीके से कहने की जरूरत नहीं होती, तो दैट्स कमेंडेबल फॉर यू फराज। वेल डन ब्रदर। वैशाली जी, ये लीजिए, दूसरा माइक यूज कर लीजिए आप। हाँ जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, कार्निवल मोशन पिक्चर्स इज कमिंग अप विद कंटेंट, द
that is not only entertaining but har cheez mein ek messaging strong hota hai, ek value add hota hai logo ki zindagi mein, which is very very important, which shows the role of Indian cinema in making us grow as human beings, making us grow as a nation. You've obviously been, and you are, one of the youngest CEOs in the country. Taali bajaiye inke liye, please. Yes, what a landmark. Thank you. But tell me, Carnival Motion Pictures, jo hai, unka vision kya hai when it comes to bringing films to the table like this? So, thank you, Siddharth. You're doing really very well and entertaining all of us. Though the subject is a bit related to farmers and young engineers, and for the startup unicorns. And Carnival, basically, when our chairman, Dr. Shrikant Basi, discussed this concept with Faraz Bhai, and our writer is also here, and the screenplay, the team has developed this subject based on farmers, because Carnival is associated with commodities since many years. We all worked in commodities, and we understand the parity between farmers and what are the international market has to offer them. So definitely this is very sensitive and very social issue, and we hope when we have made this film, we've thought, like, you know, suicide prevention of farmers is very important thing today. And after watching our film, if even one farmer decides not to commit suicide, because there is a solution in the film, we are not presenting only issues related to agriculture thing, but also a solution, then we as a producer think this film is blockbuster already. How nice. Ye kehte purity of intent. It's not just about film getting numbers. It's not just about people coming to the theaters, which is also very, very important. But like they said, if we can change the nazariya of even one farmer and they benefit from this, hamara kaam safal. So talking about kaam safal, kitna safal hai aapka trailer, hum dekh sakte hain kya? All right, let's go for the trailer. Yes, let's go for the trailer. Amazing and thank you, so sweet of you. So my question is ki aapne pehle jo bhi movies ki hai, be it Toilet ho ya uske baad Batti Gul Meter Chalu, everything had a social message or a sensitive message with it, and now it's Mere Desh Ki Dharti. So do you have a soft corner for such scripts? Honestly, aisa kabhi socha nahi maine. ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जिस जो जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी. इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, यू नो, उनको दे यूज़ टू बी रियली प्राउड के कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है, यू नो, वी स्लीप वेल एट नाइट. तो बात बस वही थी कि जब इस चीज़ की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए. एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशान रहते हैं कि यू नो ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में. लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए. एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं. सो दीज थिंग्स, यू नो, अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आर कंट्री, जब ये दोनों चीज़ें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का. लेकिन हाँ, कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता, वरना मिर्जापुर नहीं करता. थैंक यू. दिव्यंदी, हेलो जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उतना? हाँ, लेकिन आप हैं कहाँ? नहीं, इट्स ओके. हाँ, यस. ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगता है, और एंड में जब वो गाना बजता है तो एक कहीं रंगटे खड़े होते हैं, देश भक्ति की भावना आती है. टैगलाइन जब मैं देखता हूँ, कहते हैं कि देश बदल रहा है, और आज जिस माहौल में पूरा मुल्क है, अब न्यू इंडिया, नया भारत, और जिस तरह के हालात खास करके किसानों के इर्द गिर्द रहे हैं, जब मैं दिल्ली में उनके आंदोलन की बात करता हूँ, तो क्या उस आंदोलन को अभी कोई हिस्सा रहा है फिल्म के अंदर, पिक्चराइज वगैरह करा गया है, इज इट अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि किसानों की बात हो रही है, उनके उनकी आत्महत्या की बात हो रही है, हालांकि दोनों अलग अलग मौजू हैं, लेकिन फिल्म है, कहानी है, तो क्या किसानों की आपने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो हमारी फिल्म में जो कि जो ऑफ लेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने ये फिल्म शूट करी थी. आज हमारे लिए इतना, वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस ऑल्सो, इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है,
यू नो पेंडेमिक की दो वेव सही है, यू नो बहुत कुछ है, तो ओमिक्रॉन या एवरीथिंग, तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन हाँ एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है, उसको हमने छेड़ा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है। हम लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आर रूट्स। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करेंगे। इस फिल्म के दौरान आप कितने इंस्पायर हुए, आपको आपको कितना छुआ, जब मैं इस आंदोलन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा फिल्म में भी मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्तलिफ दुनिया है गाँव की और शहर की, लेकिन जब हम लौटते हैं तो एक एहसास होता है कि यार लौटना तो यही है, शायद असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। जी बिल्कुल, तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सीहोर, वहाँ पे शूट करी, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जहाँ होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे, तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गाँव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे, और वाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मज़े से रोज़ आके बिना लागा शूट देखते थे और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज़ के लिए बनी है, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो वाइल मेकिंग द फिल्म ऑल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट, तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए। फराज जी, मेरा सवाल आपसे सर टू द डायरेक्टर, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यस, और जितने ये तीन शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं, बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होके अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के दिव्यंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें, कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली एक दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला, फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफ़ी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं, यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे, तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पर सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज़ पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं, जैसा कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज़ रहता है, तो वही सरप्राइज़ हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं, असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर, तो कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसमें इन सब ने बहुत बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? दे हैव द रियल चैलेंज एंड वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंज, इनफैक्ट इज अ प्लेजर। मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है,
और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके ही होंगी. डेफिनेटली देर इज नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म. थैंक यू. जी आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपने आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को, लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की. तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है. ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है, तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं. तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया. पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं. पीयूष भाई उनकी गाइडेंस रही, तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई. तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था. मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कोशिश की है. उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है. मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया, कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूँ, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या, मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे ये शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड ए लिटिल करेक्शन, मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है. मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन. मेरा नाम इनामुलक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट. माय नेम इज इनामुलक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज मेक ए करेक्शन. सो एक्चुअली आई एंजॉय एवरी ऑफ माय कैरेक्टर व्हेन आई बेसिकली आई डोंट प्ले ऑन स्क्रीन, आई क्रिएट सम कैरेक्टर एंड आई लिव देम फॉर अ व्हाइल. तो आई वाज लिविंग दैट कैरेक्टर और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है. सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप. कभी कभी मैं इन सब के नाक में धंधा यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो. सो थोड़ा सा वो भी था, बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा. सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था देवेंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि योर क्वेश्चन वॉज समवेयर रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स. आई वुड जस्ट लाइक टू क्लेरिफाई हियर दैट आवर फिल्म नथिंग टू हैव टू डू नथिंग विद द पॉलिटिक्स, इट्स प्योर कंसर्न विद द फार्मर एक्चुअली, विच एक्चुअली नीड टू बी एड्रेस्ड. सो आपके सवाल में, आपके जवाब में ही मेरा एड ऑन है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो जो पॉलिसी चल रही, दैट्स अ पॉलिटिक्स. दिस इज अ प्योर सिनेमा अबाउट द प्योर कंसर्न विद द फार्मर्स. एंड जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं. हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम. हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना वो करना. इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना. ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म हियर सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा देन दे डिजर्व अ सैल्यूट. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. एंड डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊँगा. सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में, हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगाए तो इनके 4 साल लगे. सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में. हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे तो कॉमन फ्रेंड मिल गए, अरे कैसे हैं, अरे अरे मैं कबाब खा रहा था, तो मैंने, इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई.
उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा. पहली फिल्म बना दी. अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम लेने. बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया. फिर दूसरी फिल्म, मैं दो साल तक वेट करता रहा, फिर दूसरी फिल्म इनकी आई और अब पूछेगा बंदा. मैंने कहा नहीं नहीं कबाब. तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था. चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह, मेरा कबाब काम आ गया. तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं. खिलाते रहिए, खाते रहिए. कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें वीडियो में कवर कर लेंगे. सिद्धार्थ, यू रिमेंबर द क्वेश्चंस, तो वो देखे जाइए. इनके पास मेरा रिमोट है. अनंत, मेरा सवाल आपसे है. इतना इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कहीं किसानों को एड्रेस करने का, उनके उनके लिए जो कंसर्न है, फिकर है, वो जताने की कोशिश है. और आप और दिव्यंदु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितनी भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर. कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो. इन टोटल यू नो यू थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म. देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे बहुत अरसे से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें. तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं. और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो, तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है. और फिर उसके बाद ये कि भाई, जैसे एक्टर्स आपको साथ मिलते हैं, दिव्यंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है, तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया. और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है. और ऐसी जिम्मेदारी, बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका. वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है, हालांकि ट्रेलर है, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना आपकी तरफ से. क्या आपको नहीं लगता जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, आप किसानों को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, इस फिल्म को स्टेट या केंद्र केंद्र सरकार से टैक्स फ्री भी कराना चाहिए बिफोर द फिल्म? वो आप बात कीजिए ना, इट विल बी योर कॉल. प्लीज, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इट. प्लीज, द प्रोसीजर व्हिच इज डन बाय द प्रोड्यूसर साइड. प्रोसीजर है, प्रोसीजर कर रहे हैं. एक्चुअली आपने बहुत अच्छी अच्छी बात को छेड़ा है. थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में हैं. बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं, और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी. बिफोर इट गॉट रिलीज, वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स. सो प्लीज़, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा आप भी कुछ कीजिए. एम्प्लीफाई. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट आज के डेट पे किसानों के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड काफ़ी सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सारा मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है. तो फॉर दोज पीपल, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प, एंड इस चीज़ में आपने कितना इस बात को ध्यान में रखा है? मैं इसका एक वन लाइन में जवाब दूंगा. मेरी फिल्म में भी वो डायलॉग है, आपने सुना भी होगा ट्रेलर के अंदर, कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश बनेगा. दैट मीन्स कि मैं हमने जो कोशिश की है वो इस फिल्म में ये की है कि एक फार्मर को ना स्कीम्स की ज़रूरत पड़े, ना ही लोन की ज़रूरत पड़े, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज़ में हम देखते आ रहे हैं, अर्जेंटीना, इसराइल और चाइना, ब्राज़ील, इन सभी कंट्रीज़ के जो किसान हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं, तो मैं बस चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुँचे और उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही ना हो. थैंक यू. एंड ऑल्सो ऑल्सो ये एक तो जज्बे की बात होती है ना, कि जज्बा है कि वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है. जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है. आप कम ज़मीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप ज़मीन जोड़ के करते हैं तो. ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं. तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज़ है, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाएं.
जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है. सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. I would like to add something to this. May I? Please. Okay. So basically, it's all about educating people. And I have always believed that cinema is the most powerful weapon which can change the destiny and the situation of any country, any system, anything. Like main hamesha se kehta hu ki agar cinema chashma yahan pehnana sikha sakta hai to kisan ko ye bhi sikha sakta hai soil testing aur drone aur ye sab cheezein. Well said. But this is अबाउट कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर की और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है. सो व्हाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन यूजिंग फॉर द राइट पर्पस. सो अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे एंड उनकी दुआएँ अगर रही और टैक्स फ्री हो गई और ये गाँव गाँव में चले तो इट विल बी ए काइंड ऑफ स्कूलिंग फॉर देम कि बस ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है. लाइक इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जुगाड़, हमारा देश जुगाड़ पर चलता है. सो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की, बट जुगाड़ के लिए भी बहुत सारे फराज भाई ने इतने रिसर्च करे हैं कि वो वाटर सप्लाई कैसे हो सकता है कम पैसा खर्च करके. सो दिस फिल्म कैन एजुकेट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री टू मेक देयर लाइफ ए लिटिल बिट ईजी. और ये तभी हो सकता है जब ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं. अगर ऐसा होता है इसको OTT पे बेच के कब के नाच गा के पार्टी करके, हम लोगों ने 2 साल इंतजार किया है. सो प्लीज़ पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द सेक ऑफ फार्मर ऑफ दिस कंट्री. आई रिक्वेस्ट यू. थैंक यू सो मच सर. एनीवन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. वन सेकंड, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन अ सिंपल थिंग. सो टू हैव वन गुड डिश यू नीड अ गुड रेसिपी. So maybe this is a recipe which is not been told till now by anyone. This is the effort of the recipe. So aap aake recipe dekhna zarur. And you have all the right ingredients here. Right ingredients. Fantastic. Better than anyone. Can I continue? Puchhiye ma'am. My next question was the same exactly. Log hain aaj ke date pe bahut interior India mein jo जल्दी से परिवर्तन एक्सपेक्ट यू नो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका उस चीज़ पे कितना ध्यान रहा है कि कितने लोगों ने इस बात को कितना इजीली एक्सेप्ट किया है एंड कितना करना चाहिए. वो भी है फिल्म में कि कुछ एक्चुअली यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर. जब हम किसी चीज़ की हमको आदत पड़ जाती है तो हम इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं. तो वो चीज़ भी हमने दिखाई है कि किसानों को शुरू में कैसे भरोसा नहीं है कि यार हम इतने साल से कर रहे हैं, आप शहर से आए लड़के ये सारी बातें कर रहे हैं. तो ट्रेलर में भी है, यू नो, जब वो कहते हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे. तो सो वी हैव कवर्ड, एक्चुअली वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग यार. बट फिर भी एक फाइनल सरप्राइज जरूर है फिल्म में जो शायद आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा है. तो वो क्लाइमैक्स है मेरी फिल्म का जो शायद बिल्कुल अलग ही होगा. बाकी फिल्म आपने एक एक अंदाजा तो लगा लिया होगा, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फिल्म. लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म के लिए कुछ तो बचा के रखना जरूरी है, तो वो आपको फिल्म में दिखेगा. इसमें भी कुछ है. इनके कहने का मतलब यह है कि कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, ये आपको सिनेमा हॉल में पता चलेगा. कटप्पा ने बाहुबली को ऐसे मारा, ये जो ये हमारी फिल्म का डायलॉग है जो इन्होंने ही बोला है, इसीलिए शायद ये याद दिला रहे हैं. तो वो फिल्म में देखेंगे तो मजा आएगा. अच्छा, और सवाल भी कर सकते हैं अगले 5 मिनट में, बताइए सर. सर, मेरा नाम फुरकान खान है. सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी कास्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि आज के इस में आपने किसानों के ऊपर एक फिल्म बनाई. लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट में पूरा एक माहौल चल रहा है कि 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का एक विजन लेके चलते हैं और उनका बड़ा बड़ा प्रोमो ऐड होता है, तो इस तरह से आप अपनी पूरी टीम को किस तरह लेकर जाएंगे? और अगर जो इसमें आपको 100 या 200 या 500 करोड़ का कुछ आता है तो क्या आप बाकी किसानों को इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करोगे? जिस तरह से कश्मीर फाइल निकली थी तो उसी तरह से क्या आप करोगे कुछ किसानों के लिए? नहीं, हमने ये तो नहीं सोचा है कि हम 100-200 करोड़ कमाएंगे, बट कमाएंगे तो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर द विशेस. बट अगर हमारी फिल्म फार्मर्स को हेल्प करके, अगर हमारा इंडिया का अगर बेटा और ईल्ड ज़्यादा हो के, इफ़ वी आर कैप्चरिंग द $1 million विच आर गोइंग आउटसाइड इंडिया एंड इफ
farmers can contribute and even we can contribute to farmers, I think that turnover you are missing out. 200-300 crore ka wo box office producer, wo humne socha nahi. But agar hamari film dekhke farmers educate hoke hamari recipe follow karke agar zyada contribute kar sakte hain, to agar hum koi unki soch bhi badal jaye ki atmahatya na kare, to usse zyada usko hum comparison paise mein kar hi nahi sakte. You know, that will be the biggest milestone for our film. तो हमने इतनी सोची नहीं है, but ये जरूर सोचा है कि इंडिया को कितना फायदा होगा, फार्मर्स को कितना फायदा होगा, और यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप हमारे यूथ आजकल स्टार्टअप में जा रहे हैं उनको कितना फायदा होगा. उनको फायदा हो गया तो बस थैंक्स बोल दीजिए, लाइक कमेंट, वी आर हैप्पी. गुड इवनिंग, इस चीज में एक चीज में ऐड करूंगा, क्योंकि आपने एक दूसरी फिल्म की भी बात करी इसी दौरान. तो बात ऐसी है कि हम लोगों की थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ को बाइनरी में देखते हैं. फ़ायदा हुआ तो इसको आप बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, और ये सिर्फ किसानों के फ़ायदे के लिए है या नहीं है. ये बाइनरी नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी है, और ये सिर्फ किसानों का तो मुद्दा है ही, मगर ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये यंग इंजीनियर्स के लिए, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है जो कि होप हार चुके हैं. जो भी कहानियाँ होती हैं या जो भी फिल्में होती हैं वो किसी मुद्दे पे ही केंद्रित नहीं होती हैं, उसमें ह्यूमन हार्ट धड़कना बड़ा ज़रूरी होता है. और वो जो इस फिल्म का हार्ट है वो होप है, वो ये है कि आप हार ना माने. अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हो भी गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, तो भी रास्ता है. तो ये लूज़र्स की कहानी है, ये लूज़र्स हैं, और ये जाकर देखते हैं कि भाई इतना ये किसान भी लूज़र हो रहा है, हम भी लूज़र हो रहे हैं, बट वो एक चीज़ जो उनको जागृति देती है. और जागृति तो मेरे ख्याल से समाज में कोई ऐसा वर्ग है ही नहीं जिसको जागृति से कोई तकलीफ होगी. तो ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग के मार्केटिंग में जो लोग हैं, सब लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है. गुड इवनिंग, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से. मेरा सवाल डायरेक्टर फराज हैदर से है. फराज जी, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, और एक डायलॉग जो सबसे बेहतरीन था जो आपने खुद कहा कि जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, बहुत बढ़िया. थैंक यू. और ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू. मैं जानना चाहता हूँ कि डायलॉग्स जो है बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही ऑन द पॉइंट है, चाहे देवेंदु के डायलॉग थे चाहे सर के डायलॉग थे. कितनी मेहनत लगी स्टोरी के डायलॉग्स में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, और मुझे उम्मीद है फिल्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी. जी जी, थैंक यू वेरी मच. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायलॉग्स हमारे फिल्म के पीयूष मिश्रा जी ने लिखे हैं, और पीयूष मिश्रा जी का नाम शायद सभी लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं वो जानते होंगे. तो जिस तरीके की कहानी थी और हमारा स्क्रीन प्ले था, उसमें बहुत रिलेटेबल डायलॉग्स लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और कौन करेक्ट आदमी हो सकता है. एंड स्पेशली फिल्म का एक पोर्शन जो है वो आपने देखा होगा कि भोपाल का दिखता है, तो भोपाली लैंग्वेज जो वहाँ का स्लैंग है या वहाँ की लैंग्वेज है वो भी उसमें इस्तेमाल हुई है डायलॉग्स में. तो पीयूष भाई ने बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं जो रिलेटेबल भी हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये डायलॉग्स जो आपने सुने, ये क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में जो सिचुएशन बनी है अबाउट फार्मर्स एंड गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, उसमें ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर देश बनेगा. ये जो आपने जिस डायलॉग को पॉइंट आउट किया, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन हमने शायद पीयूष भाई ने बहुत पहले लिख दिया ये डायलॉग, 2 साल पहले हमने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट तब उन्होंने लिखा था. तो ये एक विजन की बात होती है, बहुत कमाल के बहुत सीनियर डायलॉग राइटर हैं और एक्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम. आई थिंक पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक. दिस इज सिमरन सिंह हियर, यहाँ पे. हाँ जी, हाँ जी. सो जिस तरीके से ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा है, एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आज के टाइम में ज़रूरत भी है, मतलब यूथ के लिए भी अगर देखा जाए. अगर जिस तरीके से आपने भी बात की रिवेन्यू बर्न ड्रोन्स और ये सब, ये एक नई चीज़ थी सुनने के लिए. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि इस फिल्म को हम प्रमोट कैसे करने का देख रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि अगर हम इस फिल्म को छोटे छोटे गाँव या कस्बे में लेके जाए, व्हाट इफ यू नो यू
एंड यू आप मिलके अगर थोड़ा सा एक छोटे सी एक अगर हम बात कर सके आप समझा सके नॉट एंटायर थिंग जो आपके फिल्म में है बट स्टिल इफ यू कैन प्रमोट इन सच अ वे डोंट यू थिंक इट वुड बी अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेफिनेटली और मैं वैशाली से यही बात कर रहा था 2 days बैक कि एक तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जिस गाँव में हमने फिल्म शूट करी है वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी और ये एक्चुअली हमारा एक जिसको आप बोलते हैं कि फिल्म को प्रमोट करने का जो पीआर स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि एक्चुअली टेक इट टू एज स्मॉल टाउन्स एंड यू नो विलेजेस एज पॉसिबल जैसे पहले वो ट्रैवलिंग वो होते थे ना सिनेमा जाके रात को पर्दा लगता था और लोग देखते हैं आई थिंक वो अगर हम इस फिल्म के साथ कर पाए इट वुड बी अमेजिंग तो यस वी हैव दैट इन माइंड एंड थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट थैंक यू दिव्यांदु जी मेरा सवाल आपसे है जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म के द्वारा आपने कई सारे प्रॉब्लम्स जो किसानों को होते हैं तो किस तरह के आपने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं और कई सारे प्रॉब्लम हैं किसानों के जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स इशू प्रॉब्लम होता है फर्टिलाइजर सॉइल होता है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं केमिकल एक्सेसिव यूज़ हो जाते हैं ग्राउंड वाटर पानी का प्रॉब्लम होता है पंजाब में हम ज़्यादा देखते हैं एंड नेक्स्ट अगर हम देखें जो किसानों को जो प्राइस जो मिलना चाहिए कमीशन मिडल मैन ले लेते हैं और वो जो कंज्यूमर के पास नहीं कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है किसानों को अमाउंट नहीं मिल पाता है तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर आपने दिखाया है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आप ना प्लीज़ आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चन हैं ना ये सारे जो आपने पूछे उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है किसानों के मुद्दे को पढ़ता रहता हूँ इसलिए मुझे मालूम है बिल्कुल आपने जो बात कही है जो सवाल आपने किए हैं उन सभी को एड्रेस किया है करने की कोशिश की है इस फिल्म में इवन सॉल्यूशन के साथ तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक हो जाए हमारे देश का किसान के उसे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े तो ये सारी जो सवाल हैं आपके उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा हर चीज़ में होना पड़ेगा और उसको उस चीज़ों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है इसके हेल्प की जो बात है ना वो हम पे भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है तो जैसे शहर के दो लोग ये तो बाय एक्सीडेंट पहुंचते हैं गांव में लेकिन मेरा कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं यू नो वी हैव सच ब्राइट ब्रेन्स इन आर कंट्री अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं वहाँ बात करें तो यू नो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी तो सबको मिल के करना होगा यू नो आई थिंक हमको सबको बहुत मजा आया ये करते हुए वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज़ के बारे में बात करी इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुसाइड करता है फार्मर ही इज अ स्मॉल फार्मर जो रिच फार्मर्स होते हैं तो वो भी तो कभी उनके बारे में आप लोगों ने कुछ दिखाया रिच फार्मर मतलब जिनके पास कम खेत रहते हैं और एक रिच फार्मर रहते हैं कि जो मम्मी कसम सब चीजों के बारे में बात है सब आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हमारा नहीं मेरा सच में सर ऑन माय मदर जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं वो सब जितना कवर कर सकते थे इन दो लड़कों की कहानी के साथ वो किया है और मैसेज आखिरी सवाल कौन पूछेगा आशीष पराज भाई और टीम जबरदस्त ट्रेलर है कमर्शियलाइजेशन के इस दौर में इतना इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू उठाया है साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं वो बहुत कमाल की बात है लेकिन मुझे जो ट्रेलर में सबसे इम्पोर्टेंट और क्रक्स पॉइंट निकल कर दिख रहा है वो है होप होप लेकिन आप सबके जीवन में ऐसा कभी आया होगा जब निराशा के बादल छाए होंगे वो होप वाला टर्निंग पॉइंट कोई शेयर करना चाहेंगे जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो दिव्यांदु भाई आपसे शुरू मैं करना चाहता हूं 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे ठीक है मैथ्स का पेपर था बहुत ख़राब गया था मैं घर वापस आया और मेरे ट्यूटर ने कहा बेटे क्या क्या सवाल करके आए हो आप तो मैंने कहा जी ये उन्होंने कहा इसके हिसाब से आपके 30 नंबर आएंगे तो आपका फेल होना तय है
होप अब देखिए क्या हुआ, उस सेट में पता चला कि एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का वो आउट ऑफ सिलेबस था। आई गॉट 35। मैं 11th में पहुंचा और आज यहां तक पहुंचा हूं। सीरियसली ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। और कोई अपनी होप की स्टोरी? इनामुल भाई आप बोले। मैं तो पैदा ही से आशावादी हूँ। मेरी एक कोट है कि मैं तो इतना आशावादी हूँ कि मुझे बर्ड फ्लू भी हो जाए तो उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने होप की रस्सी पकड़ी हुई है और निराशा के बादल को ऐसे खींच के पटकता हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। होप का ही नतीजा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगा और ये फिल्म भी पहुँचूंगी। होप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपने मौका दे दिया इस पर लेक्चर देने के लिए। छोड़िए मत, पकड़ के रखिए उम्मीद की रस्सी। क्या बात है, इसी बात पे देवेंदु वैशाली जी बोलिए बोलिए। देखिए बहुत सारा डिप्रेशन केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, हम हर बार अखबार में ये पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप आके फिल्म देखिए 6 मई 2022 तभी आपको पता चलेगा ये दोनों यंग इंजीनियर्स कैसे सारी चीज़ को बदल देते हैं। और आई थिंक यू शुड कम एंड वॉच द फिल्म। सो आई एम अपीलिंग एवरीवन कि डू नॉट गेट डिप्रेस, वॉच आवर फिल्म। इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ, बाबा कहिएगा आप लोग प्लीज। जोर से बोलिए बाबा, ऑडियंस भी बोल सकते हैं। क्या बात है, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। अरे आप बाव करें, आपके लिए नहीं है भाई। बाबा 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 बोलिए, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। मास्टरपीस इनकी अगली फिल्म का डायलॉग्स मैं ही लिख रहा हूं। कोई लेना देना नहीं सर, मुझे किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ दिया। एनीवेज थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपके बगल में बैठे हुए इंसान को एक हाई फाइव दीजिए। कम ऑन, हाई फाइव ऐसे। अरे हाई फाइव ये होता है ऐसे करें। ये एक ऐसे हाई फाइव दो एक दूसरे को। कम ऑन कम ऑन। अरे आवाज आनी चाहिए दोस्तों, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो भैया, कर दो एक दूसरे को हाई फाइव दो। आइए 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 सपोज। हाँ एक पोयम भी करवा दो ना, सबसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हाथ पकड़िए। ऐसे हैं हमें मत काटो हम पेड़। उससे अच्छा क्यों ना हम हमारी फिल्म का गाना गाए। गाना गाए? यस। कौन गाएगा? हम गाएंगे। अच्छा आप गाएंगे, वैशाली जी आइए आइए। सीईओ सब गाएंगे, इंडियाज यंगर सीईओ जो गाती भी है आइए। सिद्धर का पेमेंट हो गया? पूरा हो गया मैडम, इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ। ऑलराइट तो वैशाली जी आप गाइए। थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड व्हाई नॉट वी जस्ट एंड दिस सेशन विद अ फ्यू फैंटास्टिक। ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन सिद्धर। अरे गाना मुझे नहीं मालूम मैडम इसका। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की। अच्छा रुकिए, एक दरखास्त है, हम लोग सुर में करने की कोशिश करेंगे, सुर में करेंगे। हमारे सिंगर्स हैं, हमारे सिंगर्स हैं। कहाँ है वो हमारे सिंगर्स? फराज भाई अवर सिंगर्स आर देयर। कौन कौन है? सुप्रिया इज देयर। अरे कम ऑन कम ऑन। अरे यहाँ पे सिंगर्स भी बैठे हैं। गुस्ताखी माफ फॉर दैट बेसुरा सिंगिंग, बट वो हम लोग टीजर दे रहे थे, असल सिंगिंग यहाँ पे होगा। ताली बजाइए ये सबके लिए। और याद रखिए जो ये गाना दिल से अच्छी तरह गाएगा उनको वैशाली जी ने बोला है कुछ नहीं मिलेगा। बुलुंडीस्ट में नहीं, कार्निवल के सारे थिएटर्स में सारे टिकट्स फ्री। क्या बात है, आइए आइए मैडम, उनको आने दीजिए। फराज जी आप खड़े हुए रास्ते में, बाद में। अच्छा वो गाना बजवा रहे हैं, आई लाइक इट। मैम आइए 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 आइए। जी हाँ ये लोग हमारी तरह गाते नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं। मैम आइए। हेलो मैम, नमस्कार, आइए सर। तो आप लोग क्यों ऐसे जा रहे हैं, आपको भी गाना है? ओके आइए, ताली बजाइए हमारे सिंगर्स के लिए प्लीज। व्हाट अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वी ऑल लव, इतने सालों से सुनते आए हैं, हमारे दिल में बैठा हुआ है ये गाना। और एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ये मशहूर सिंगर भी हैं भाई साहब, और साथ में इन्होंने 70 अवार्ड जीते हैं फॉर हैविंग द बिगेस्ट चेस्ट इन द वर्ल्ड। तालियां बजाइए सर।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती So beautiful. अगर कोई ऑडियंस है जो गाना चाहता आप गाएंगे सर आइए ना अरे आइए डॉक्टर श्रीकांत वसी प्रेजेंट्स मेरे देश की धरती लेडीज एंड जेंटलमैन गाना सुना आप लोगों ने ट्रेलर देखा थैंक यू फॉर ऑल द लव द रिस्पेक्ट वो वहीं पे जा रहे हैं ना आनंद जा रहे हैं पूछ लो कहां जा रहे हैं फोटो आइए